अभी दोस्त इंस्टाग्राम में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है दोस्त कि अगर अभी आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम है ओपन ही नहीं हो रहा होगा। कुछ इस तरह से दोस्त यहाँ पर आपको या तो ब्लैक पट्टी या तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से व्हाइट पट्टी दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पूरा का पूरा व्हाइट हो जा रहा होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में दोस्त हम आपको कुल मिला के 3-4 ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिसके मदद से दोस्त आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस भाई पे भरोसा रखिए, इस दोस्त पे भरोसा रखिए, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका पक्का है दोस्त के प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई भी फायदा तो है नहीं। तो सबसे जो पहला आपको काम करना है दोस्त कि आपको अपने पुराने वाले इंस्टाग्राम को यहाँ से डिलीट कर देना है, इस तरह से क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक ना। इसको दोस्त आपको आ जाना है आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में, या तो आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप स्टोर या मतलब जो भी स्टोर से डाउनलोड करते हैं, आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्त यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम को फिर से यहाँ पर आपको मतलब कि लोड कर लेना है, ठीक है ना, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्त आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक ना। इस तरह से आप कट करेंगे और पूरा को इस तरह से आप रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है ना। जितना भी अगर आप यहाँ पे काम किए तो सारा को रिफ्रेश कर देंगे। इसके दोस्त यहाँ पर आपको करना क्या है तो यहाँ पर दोस्त आपको अपने इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह से आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है ना। इसके दोस्त यहाँ पर आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको करना क्या है, पर आपको जो स्टोरेज यूजेज है इस पर दोस्त आप टाइप करेंगे और यहाँ पर दोस्त आपको क्लियर कैच और क्लियर डाटा है ना इसे आपको कर लेना है, ठीक है, एकदम क्लियर कर लेना है। इसका दोस्त यहाँ से आपको बैक आना है, ठीक है, इस तरह से बैक आएंगे और इसका दोस्त यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्त फिर आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ओपन होता है या नहीं होता है। और फाइनली मेरा जो इंस्टाग्राम है वो ओपन नहीं हुआ, मतलब कि एक तरह से अपडेट भी हो गया फिर भी ये नहीं हुआ, ठीक है ना। तब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सही करेंगे। तब इसके लिए दोस्त आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बैक आना है। अब दोस्त आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको आ जाना है सर्च बार में और यहाँ पर दोस्त आपको टाइप क्या करना है तो यहाँ पर दोस्त आपको टाइप करना है ApP, इसका दोस्त CLONER क्लोनर, ठीक है ना। या तो ऐप क्लोन से भी आता है या तो डबल ऐप से भी आता है, तो देख लीजिएगा आपके स्मार्टफोन में किस तरह से, ठीक ना, इस तरह से आएगा। तो इस पर दोस्त आप टाइप करेंगे। अब दोस्त आपको इंस्टाग्राम को क्लोन करना है तो इसके ऊपर आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद दोस्त इसे आप इनेबल कर देंगे, ठीक है ना। जैसे इनेबल करेंगे इसका क्लोन बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्त आपको बैक आ जाना है, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप बैक आ जाएंगे और बैक करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको क्लोन वाले को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप देखिएगा अगर यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं शायद यहाँ पे सही हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन अप विथ ईमेल एड्रेस है ना इस पर टाइप कर लेते हैं और यहाँ से शायद नहीं होगा क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन के ऊपर टाइप करते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना यूजर नेम को फिल करते हैं, ये लॉगिन कर दिए, लॉगिन करके देखते हैं और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से ओपन हुआ है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है और यहाँ पर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है जिस वजह से दोस्त फास्ट नहीं चल रहा है, लेकिन ये अच्छा है, ठीक ना। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंस्टाग्राम है यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है ना, और इस तरह से दोस्त चल रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर रील्स सब चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्त आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका आपको क्या करना है, फिर भी दोस्त बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि भैया यहाँ पे भी मतलब वाइट डिस्प्ले हो जा रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तब दोस्त आपको क्या करना है तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है, इस तरह से दोस्त आप बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है तो आपको आ जाना है आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ दोस्त आपको सर्च बार में आ जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम लाइट, ठीक है ना, इस तरह से आप टाइप कर लेंगे इंस्टाग्राम लाइट। इस तरह से टाइप करने के बाद दोस्त यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे और आप यहाँ से इंस्टाग्राम लाइट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्त आप इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको उसी वाले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है जो कि उसी वाले आपको यूजर आईडी या पासवर्ड जिस तरह से मतलब लॉगिन किए थे उस तरह से दोस्त यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन के ऊपर टाइप करते हैं
और टैप करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपना यूजर नेम को फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड को डाल दिए, यूजर आईडी को भी फिल कर दिए, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे भी लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे भी दोस्त मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, जैसा कि आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक ना। ये तीसरा तरीका हुआ दोस्त, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपका क्लोन वाला में इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम लाइट पर लॉगिन करके देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दोस्त आपका चलेगा, ठीक ना। और फिर भी नहीं चलता है दोस्त, अब चलिए मैं आपको लास्ट वाला ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तब दोस्त अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से दोस्त आपको कट करना है, यहाँ से आपको रिफ्रेश कर देना है, ठीक ना, इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्त आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ दोस्त आप देखिएगा, यहाँ पर आपको कहीं पे भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा, ठीक है ना। तो इस पर दोस्त आप टैप करेंगे और यहाँ से दोस्त आप अपने स्मार्टफोन को एक बार अपडेट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पुराने वाले वर्जन को काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और नया वाला जो इंस्टाग्राम आया है वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो इसलिए दोस्त यहाँ से आप एक बार अपने स्मार्टफोन को भी अपडेट करके देखेंगे, ठीक है। हमको लगता है दोस्त कि अगर आप यहाँ से अपडेट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो इंस्टाग्राम है ना चलने लगेगा, या तो आपका क्लोन पे या तो लाइट पे तो पक्का है कि चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे ही चलाना चाहते हैं, जो रियल वाला है उसी पे चलाना चाहते हैं, तब दोस्त आप इसे एक बार अपडेट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्त, समझ में आए हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस दोस्त को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तब चलिए दोस्त, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त आप अपने ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।